और ये देखिए मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग ऑन अर्थ, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और जस्ट अभी हम एंटर हो रहे हैं इसी फ्यूचर म्यूजियम के अंदर। हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। क्या हालचाल, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज का जो वीडियो है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होगा। जी हाँ, आज हम आए हुए हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग। जी हाँ, अगर दुनिया में कोई खूबसूरत बिल्डिंग है तो यही है, और आज हम इसी बिल्डिंग के अंदर हैं। तो आज इस वीडियो में इसी बिल्डिंग को दिखाएंगे, हम कहाँ आए हुए हैं और क्या है इस बिल्डिंग के बारे में, सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को अपन तक जरूर देखिएगा। काफी एक फ्यूचरिस्टिक बिल्डिंग है और हर एक चीज यहाँ पे फ्यूचरिस्टिक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आज हम आए हुए हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और दुबई की ये जो म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुनिया की 14 सबसे बेस्ट, सबसे आला दर्जा का जो यहाँ पे म्यूजियम है, उन्हीं में से ये एक म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। और इसी म्यूजियम के अंदर यहाँ पे जो भी चीजें आप चारों तरफ देख रहे हो लिखा हुआ, वो अरबिक में है। बाहर से देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अरबिक में लिखा हुआ कुछ मिलता है, और सेम जैसे ही आप अंदर जाते हो तो भी यहाँ पे अरबिक में कुछ लिखा हुआ मिलता है। और ये सभी कोटेशन है जो यहाँ पे बादशाह है यूएई के, उनके द्वारा यहाँ पे लिखा हुआ कुछ कोटेशन है, और म्यूजियम को कुछ इस तरीके से बनाया गया है। तो काफी यूनिक म्यूजियम है और हर एक चीज खूबसूरत है, फ्यूचरिस्टिक यहाँ पे चीजें हैं। रोबोट द्वारा यहाँ पे आपको चीजें सर्व किया जाता है अंदर, और फ्यूचर में बच्चे किस तरीके से खेलेंगे, हमारा फ्यूचर किस तरीके से दिखेगा, हम कुछ इमेजिनेशन यहाँ पे किया गया है, और उन्हीं सभी चीजों को इसी बिल्डिंग के अंदर यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के अंदर कुछ ऐसे चीजें हैं सच में आपको हैरान कर देगा। हर एक चीज की यहाँ पे डीएनए रखा गया है, अगर कभी दुनिया खत्म हो जाता है तो इसी बिल्डिंग के अंदर उन चीजों के यहाँ पे डीएनए कुछ इस तरीके से रखा गया है। ये सभी डीएनए कभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, कुछ इस तरीके से सेफ तरीके से इस बिल्डिंग के अंदर रखा गया है। तो अगर कभी दुनिया खत्म हो जाता है तो ये सारे डीएनए कहीं ना कहीं काम आएगा। और हम चल दिए इसी खूबसूरत बिल्डिंग को देखने के लिए, और दुबई शहर बहुत ही खूबसूरत है और उससे कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत है ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। जो भी यहाँ पे फ्यूचर में उन लोगों ने सोचा है फ्यूचर में क्या कुछ होगा, तो प्रेजेंट को देखते हुए इमेजिनेशन करके ये म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर बनाया गया है। जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसी रियलिटी को देखते हुए इसी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को बनाया गया है, और इसी के अंदर आपको फ्यूचर दिखेगा। लोग यहाँ पे और जस्ट अभी हम एंटर हो रहे हैं इसी फ्यूचर म्यूजियम के अंदर, अंदर तक जाना है। ये देखिए फ्यूचर म्यूजियम के अंदर की सीन, खूबसूरत लग रहा है अंदर, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल गाइस। कुछ इस तरीके से सीढ़ियों से ऊपर जाओ, और ये गाइस फ्यूचर म्यूजियम के अंदर की सीन।
फ्यूचर म्यूजियम के अंदर यहाँ पे रोबोट देखिए भाई साहब क्या लग रहा है। हेलो और जैसे ही एंटर करते हो तो यहाँ पे म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के अंदर कुछ इस तरीके से आपको स्टॉल देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे काफी सारे यूनिक चीजें हैं जो फ्यूचरिस्टिक है जिसे आप खरीद पाओगे। और इसी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर की जो डिजाइन की जो बिल्डिंग है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, तो उन्हीं चीजों को भी आप यहाँ पे खरीद सकोगे। ऊपर कुछ इस तरीके से जाओ और अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें है देखने के लिए जिसे आपको यहाँ पे 250 दिराम में खरीदना पड़ेगा। इंडिया के ऑलमोस्ट 6,000 से 7,000 के यहाँ पे बीच में पड़ता है। और टिकट लेने के बाद इसके अंदर में जाके वही फ्यूचरिस्टिक चीजें देखोगे जो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है गाइस, देखने के बाद मजा ही आ जाता है। तो अगले वीडियो में मैं इसी म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर को दिखाने वाला हूँ, अंदर इनसाइड क्या कुछ यहाँ पे देखने को मिलता, तो ये सभी चीजें अगले वीडियो में होगा। तो गाइस चैनल पे बने रहिएगा। दोस्तों अभी हम हैं म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर दुबई में और इस वक्त मैं दुबई की मेट्रो स्टेशन पर हूँ, म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर के पास जो मेट्रो स्टेशन है। और यहाँ पे देखिए ये रोबोट है जिससे आप लोग बात कर सकते हो और यहाँ पे कौन सी भाषा आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हो, इंग्लिश हो हिंदी हो जो भी, हम यहाँ पे हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। हेलो कृपया वह विकल्प चुनिए जिसकी आपको आवश्यकता है। रोबोट बात करता है और हम यहाँ पे जो भी क्वेरी है वो यहाँ पे पूछ सकते हैं और ये रोबोट हेल्प करेगा। कितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी यहाँ पे है दुबई में और कितना टेक्नोलॉजी सोचिए आप लोग बढ़ चुका है। इस तरीके से रोबोट है जिससे आप लोग बात कर सकते हो और इससे हेल्प भी ले सकते हो।